नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा में लगातार बारिश से आजवा समेत विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ा। मेयर और शासक पक्ष के नेता ने आजवा सरोवर का मुआयना किया। बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख जुड़े। समाजवादी पार्टी के 20 सदस्यों ने शहर कांग्रेस प्रमुख की उपस्थिति में थामा कांग्रेस का दामन। आज अखिल हिंदुस्तानी स्वराज दिन, पालिका मुख्यालय पे मेयर के हाथों से किया गया ध्वजारोहण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा शहर समेत आसपास के विस्तारों में लगातार दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऊपरवास में भी बारिश के चलते आजवा सरोवर का जलस्तर बढ़ा है। तब आज बड़ौदा शहर के मेयर और शासक पक्ष के नेता केतन ब्रह्मभट 62 दरवाजा आजवा सरोवर पहुंचे थे। ऊपरवास में लगातार भारी बारिश के चलते आजवा सरोवर में पानी का जलस्तर बढ़ा है। तब आजवा सरोवर से देर रात जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था, उसका मुआयना करने शहर के मेयर जिगिसाबेन सेठ समेत शासक पक्ष के नेता केतन ब्रह्मभट पहुंचे। वहीं राहत की बात ये रही कि आज सुबह 10 बजे से आजवा सरोवर का ओवरफ्लो बंद कर दिया गया है, जिससे विश्वामित्री ने अब पानी का आना कम हुआ है। तब ये समाचार हम जब तक पढ़ रहे हैं, तब तक आजवा सरोवर 212.40 फीट पर है, जबकि विश्वामित्री 22 फीट पर बह रही है। बड़ौदा के मेयर ने आजवा सरोवर के 62 दरवाजों का जायजा लिया। साथ ही में ऊपरवास में भी बारिश बंद होने से अब क्या हालात होंगे, उस पर भी आजवा सरोवर के अधिकारियों से चर्चा की गई थी। फिलहाल मेयर के कहे मुताबिक आजवा सरोवर में से पानी का फ्लो रोक दिया गया है, जिससे अब विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी कम हुआ है। આજે આજવા સરોવરની મુલાકાત લીધી। મારી સાથે નેતા શ્રી કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ છે, અહીં અધિકારીઓ છે, અને ગત વર્ષે પણ અહીં મુલાકાત લીધી હતી। અને આખી જે સિસ્ટમ છે કે અત્યારે જે ગઈકાલે ખૂબ વરસાદ પડ્યો, ઉપરવાસમાં પણ એટલો જ વરસાદ પડ્યો, લગભગ 7 ઇંચ એટલે કે 175 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ પડ્યો, જેને લીધે પ્રતાપપુરા સરોવરમાં અને પ્રતાપપુરાની ફીડર કેનલમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું। એક બાજુ વિશ્વામિત્રીમાં આવ્યું, એક બાજુ આજવામાં આવ્યું। આજવાનું લેવલ પણ ધીરે ધીરે વધતું ગયું, 212.40, 212.65, 212.80, 50 ઉપર એવું જતું ગયું। અને અત્યારે રાત્રે 11 વાગે એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે પાણી વિશ્વામિત્રીમાં છોડવું, અને વિશ્વામિત્રીનું લેવલ પણ 17.18 થયું। પરંતુ અત્યારે ફોર્ચ્યુનેટલી ઉપરવાસમાં એ વરસાદ નથી, અહીં પણ વરસાદ નથી, એટલે એક નિર્ણય કર્યો કે અત્યારે 10 વાગે આજવા સરોવરના દરવાજા આપણે જે જવા માટે ઓવરફ્લો કરતા હતા એ બંધ કરી દેવા, અને ઓવરફ્લો બંધ કર્યો। એટલે એ આખી ઓવરફ્લો સિસ્ટમ કઈ રીતે બંધ થાય છે કે કયું રેડિયલ ફેરવવાથી એટલે કે ખોલવાથી અને કયો વાલ્વ બંધ કરવાથી આખા દરવાજા જે 211 થી 214 સુધી ઉપર આવી જાય અને પાણી એક બાજુથી બંધની આ બાજુ આવતું બંધ થઈ જાય, એ વ્યવસ્થા જોઈ, પાણીના નિકાલની પણ પાછળ વરસાદી ગટરમાં વ્યવસ્થા, વરસાદી કેનલમાં વ્યવસ્થા છે એ પણ જોઈ, અને ખરેખર શ્રી સર સયાજીરાવ ગાયકવાડીની દૂરંદેશી એક ખૂબ મોટી વાત વડોદરા શહેર માટે કે પ્રતાપપુરા સરોવર પણ બનાવ્યું, ત્યાંથી ક્યાં લિંકેજ કર્યું, અને આજવા સરોવર જે અત્યારે 145 MLD પાણી વડોદરા શહેરને પૂરું પાડે, અને સાથે જ જો ખૂબ વરસાદ પડે કે કોઈ કારણસર ઉપરવાસમાં પણ વરસાદ પડે, કારણ કે પ્રતાપપુરા સરોવરમાં પાણી ક્યાંથી આવે તો કે પાવાગઢથી આવે, ત્યાં ખૂબ વરસાદ પડે એટલે એ પાણી ત્યાં આવે, ત્યાંનું પાણી અહીં આવે, અહીંનું વિશ્વામિત્રીમાં જાય, એ રીતે એટલે કે રાત્રે એક તબક્કે એવું લાગતું હતું કે કાંઠા વિસ્તારના
જે પ્રજાજનો આપણા રહે છે, ખાસ કરીને પરશુરામ ભટ્ટો અને જલારામનગર, એમની પણ રાત્રે શું વ્યવસ્થા કરવી બધા જ ડિસિઝન લેવાઈ ગયા હતા. પરંતુ ફોર્ચ્યુનેટલી અત્યારે વરસાદ બંધ હોવાથી એવું લાગે છે કે એવી કોઈ પરિસ્થિતિ. भारी बारिश से सावली के पास आए मंजूसर जीआईडीसी में भी जल भराव देखा गया और इस जल भराव से वहां पे चल रही इंडस्ट्रीज में भी काम रुका हुआ है, जिससे करोड़ों के नुकसान का भी अंदेशा जताया जा रहा है. सावली के पास आई मंजूसर जीआईडीसी में बड़ी मात्रा में जल भराव के नज़ारे सामने आए, जिससे जीआईडीसी में चल रही फैक्ट्रियाँ बंद दिखी और वहाँ काम करते कामदार भी पानी में रहने को मजबूर हैं. जीआईडीसी में उत्पादित माल सामान की भी आवाजाही में चल रहे वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक तरह से माने तो जीआईडीसी पूरी तरह बंद हालत में है और उससे करोड़ों के नुकसान का भी अंदेशा जताया जा रहा है. मंजूसर में भारी बारिश से हो रहे जलभराव के लिए प्रशासन को लगातार इस बारे में हर साल इत्तला दी जाती है, पर इस परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा. आगे है ना थर्मल HPCL के आगे, वहाँ पे इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, इसलिए पानी वहाँ नहीं जा रहा है. हमने कलेक्टर को ऑलरेडी एक 2-3 साल से लेटर लिख रहे हैं. आगे हमारी अभी संकलन में मीटिंग भी था, लेकिन अभी कुछ उसका निकाल नहीं आया. तो कोरोना आ गया, इसकी वजह से ये लोग करने वाले थे. अभी क्या अभी आगे डिसीजन ले रहे हैं कलेक्टर को बताओ. लास्ट अभी 2 दिन से तो जो पानी भरा हुआ है, सब कंपनी बंद है, सबका कितना नुकसान है ये देख. बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ा और सरदार सरोवर बांध में से करीबन 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा. बात करें चांदोद की तो चांदोद के तटीय विस्तार और बाजार पानी से भर गए. ऊपरवास में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी में पानी की आय बढ़ी है. मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे सरदार सरोवर बांध में पानी का जलस्तर बढ़ा है और उसके चलते नर्मदा नदी में करीबन 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. तब नर्मदा नदी के तटीय इलाकों में नर्मदा के पानी पहुंचे हैं. नर्मदा दोनों किनारों से लगकर बह रही है. तब चाणौद के मल्हार राव घाट समेत तटीय इलाकों में आए बाजारों में पानी भर गया है. तब बाजार भी फिलहाल बंद है. स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को घाट के पास जाने की मनाई फरमाई है. तब ये तस्वीरें चांदोद से आई है. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. Thank you.
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आज अखिल हिंद स्थानिक स्वराज दिन है, जिसको लेकर बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे आज ध्वजारोहण किया गया, जो मेयर जिगिसाबेन सेठ के हाथों से किया गया। इस वक्त सभी दल के नेता वहां पे मौजूद रहे। आज अखिल हिंद स्थानिक स्वराज दिन है। आज के दिन तालुका जिला प्रशासन को सुचारू संचालन हेतु कई अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों की प्राप्ति के बाद लोक सुविधाओं के काम में तेजी आई। तब आज पालिका कार्यालय पे मेयर जिगिसाबेन सेठ के हाथों से स्थानिक स्वराज के प्रतीक रूप झंडा लहराया गया था। अखिल हिंद स्थानिक स्वराज दिन यानी कि प्रशासन का नागरिकों के विकास के कामों के प्रति प्रतिबद्धता जताने का एक अवसर। बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन के बैंड के जरिए ध्वज को सलामी दी गई थी। इस वक्त पालिका प्रशासन के सभी दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे थे। આજે અખિલ હિન્દ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા એનો સ્થાપના દિન છે, ગણીએ 31 ઓગસ્ટે, અને એ દિવસે નાગરિકો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા બતાવવા માટે આપણે અહીં હર વર્ષે ધ્વજવંદન કરતા હોઈએ છીએ। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા એટલે કે નાના નાના ગામો, પંચાયત હોય, તાલુકા હોય, ગ્રામ્ય પંચાયત હોય કે શહેરોમાં શહેરી સંસ્થાઓ હોય, એને જે સ્વાયત્તતા આપવામાં આવી, ભલે આપણી સંસ્થા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર પર નિર્ભર છે, પરંતુ સાથે જ પોતાના નિર્ણયો લઈને પોતાની રીતે કામ કરવા માટે પણ દરેક કોર્પોરેશન હોય, નગરપાલિકા હોય, પંચાયત હોય, એ સક્ષમ હોય છે અને એ રીતે કાર્યરત થઈ શકે એ માટે વર્ષો પૂર્વે, એટલે કે જ્યારે બ્રિટિશ રાજ હતું ત્યારે પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા ગ્રામ પંચાયતોને એમની સ્વાયત્તતા આપવામાં આવી હતી। શહેરોમાં પણ એ જ પ્રમાણે કામગીરી થાય છે। આજના દિને સૌ સાથે મળીને અધિકારીઓ પદાધિકારો સૌ સાથે મળીને શહેરના વિકાસ અને પ્રજાના પ્રશ્નો માટે જ કામ કરીએ એવી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। અખિલ હિન્દ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે સંસ્થા સ્થાપવાની હતી તેમાં બરફીવાલા સુરતના માવલંકર પાર્લામેન્ટ સભ્ય, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા એટલે નાની નાની સંસ્થાઓને, પંચાયતોને, કોર્પોરેશનોને, નગરપાલિકાઓને એને સ્વાયત્તા આપવાની વાત હતી। કારણ કે બધી સત્તા જો સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ અને રાજ્ય સરકાર પાસે હોય તો સ્થાનિક સ્વરાજમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જે કામ નહીં કરી શકતા હતા એના માટેની આ લડત હતી, અને એટલા જ માટે આ સ્વાયત્તાની જે લડાઈ હતી છેવટે આ 31 તારીખે એ સંપન્ન થઈ અને નાના નાના સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને એ બળ અને એ તાકાત મળી, જેથી નગરજનોની વચ્ચે જઈ તાત્કાલિક કામ કરાવી શકે, તાત્કાલિક એનો ઉકેલ થઈ શકે। बीते 49 सालों से बड़ौदा शहर में न्यू बगीखाना युवक मंडल की ओर से गणेश स्थापना की जाती है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते इको फ्रेंडली तरीके से गणेश प्रतिमा का स्थापन भी हुआ और साथ ही में इको फ्रेंडली तरीके से गणेश विसर्जन भी किया गया। बड़ौदा शहर के न्यू बगीखाना बाल युवक मंडल की ओर से 49 सालों से गणेश स्थापना की जाती है। तब इस वर्ष गणेश मंदिर में छोटे श्री जी का स्थापन किया गया था। वहीं कोरोना महामारी के बीच इस वर्ष विसर्जन भी सभी सावधानियों को ध्यान में रख के किया गया। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का इको फ्रेंडली विसर्जन मंदिर परिसर में हुआ, जबकि बड़े बर्तन में पानी में विसर्जित मूर्ति से मच्छर या फिर गंदगी न बढ़े उसका भी खास ख्याल रखा गया था। कोरोना महामारी के इस समय में न्यू बगीखाना बाल युवक मंडल की ओर से गणेश उत्सव में पर्यावरण सुरक्षा का एक उम्दा उदाहरण दिया गया। इन दिनों गणेश उत्सव चल रहा है, पर इस वर्ष बड़ौदा शहर में बड़े सादगी से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है।
बात करें हीरानगर चैरिटेबल ट्रस्ट के गणेश की, तो कल 56 भोग गणेश स्थापन में किए गए थे, जिसके बाद इन 56 भोग को जरूरतमंद और गरीब लोगों में बांटा गया था। हीरानगर चैरिटेबल ट्रस्ट जो वडोदरा शहर के हरनी रोड पर स्थित है, वो पिछले 35 सालों से गणपति की स्थापना करते हैं, पर इस साल कोरोना काल में सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से इस बार केवल 2 फुट मूर्ति की ही स्थापना की गई है। लेकिन कोरोना के कारण लोगों की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं दिखी। बीती रात हीरानगर चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने गणपति बप्पा को प्रसाद के रूप में 56 भोग अर्पण किए और आज उसी भोग को गरीबों में बांटा। ये ट्रस्ट की ओर से उठाया गया एक सराहनीय कदम है और इसमें वडोदरा शहर के बीजेपी की महिला मंत्री स्नेहलबेन पटेल खास उपस्थित रही थी। इस विषय की ज्यादा जानकारी हीरानगर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख अजय सुतरिया ने दी। हीरानगर चेरिटेबल ट्रस्ट खूब धामधूम से गणेश जी की स्थापना करे छे। आ कोरोना की वैश्विक महामारी ने ध्यान में राखी आ वर्षे अमे गणेश जी की स्थापना घरे करवामां आवी छे अने आज रोजना अमे 56 भोगनी प्रसादी राखी छे, ते प्रसादी अमे गरीब लोगों ने वितरण करवामां आवशे। स्थानिक स्वराज के चुनाव आते ही राजनीति में बड़ा उलटफेर की शुरुआत हो गई है। बात करें बड़ौदा शहर के समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख समेत 20 सदस्यों ने आज कांग्रेस का दामन थामा। शहर प्रमुख प्रशांत पटेल और नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की उपस्थिति में 20 सदस्यों ने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस पक्ष में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उनके 20 कार्यकर्ता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और पार्टी के प्रमुख विनोद शाह ने कहा कि गुजरात और भारत के कई जगहों पर बीजेपी का शासन चल रहा है और उनका ये शासन खत्म करने के लिए कांग्रेस बहुत मजबूत पक्ष है, इसलिए उनका इसमें साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके कारण कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल और विपक्ष के नेता चंद्रकांत भट्टू ने कांग्रेस को खेस पहनाकर उनका स्वागत किया। वडोदरा शहर कांग्रेस परिवार में वडोदरा शहर में समाजवादी पार्टी जो संगठन ये तमाम संगठन आज कांग्रेस पार्टी में जोड़ाई गयु, जेमा विनोद भाई थी माड़ी ने सावंत भाई थी साथ साथ 20 जननी एमनी जे टीम थी ये कांग्रेस पार्टी में जोड़ाई ने कांग्रेस की विचारधारा अने वडोदरा शहर कांग्रेस जी रीते प्रजाना प्रश्न माटे लड़त आपी रही है ये लड़त आपी रही है एमा ए लोको एक परिवार में जॉइन थी वडोदरा शहर की प्रजा ने न्याय मळे, प्रजाना हक माटे लड़ी सकीए अने जे शासक पक्ष द्वारा भ्रष्टाचार करवामां आवे छे ए प्रजा समक्ष उजागर करीने ए कामगीरी जे कांग्रेस पार्टी करी रही छे, जेना भागरूपे आखू समाजवादी पक्ष वडोदरा शहरनो कांग्रेस पार्टी में जोड़ाईने कांग्रेस पार्टी एक देश प्रेम कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम की अंदर एक देश प्रेम है, एक प्रजा प्रेम है और एक पक्ष माटे प्रेम है, ये परिवार की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है यनी जोड़ाई कांग्रेस हाथ मजबूत करीने कांग्रेस वडोदरा शहर लड़त जे आपी रही है एम प्रजा ने न्याय आपवा माटे जे जोड़ाया छे तमाम ने अमारा विपक्ष नेता समक्ष तमाम कांग्रेस परिवार ने समक्ष ए लोको कांग्रेस पार्टी में जोड़ाया छे तमाम ने अमे आवकारीए छे। बड़ौदा शहर में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसको लेकर विश्वामित्री का जल स्तर भी बढ़ा है। तब विश्वामित्री के तटीय इलाके और जो खास करके निचले इलाके हैं, वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। पर इसके साथ बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमण का भी खतरा है। तब सुभाष नगर यानी कि जो तटीय इलाके हैं, सुभाष नगर से जिन लोगों को सुरक्षित जगह पर सरकारी स्कूल में ले जाया गया है, वहाँ पर आज उन सभी लोगों की कोरोना जाँच भी की गई। वडोदरा शहर में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, साथ ही में आजवा सरोवर का पानी विश्वामित्री में छोड़ा जाता है, तब विश्वामित्री के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते विश्वामित्री के निचले स्तर में रहने वाले निवासियों को सयाजीगंज में आई हुई श्री मगन भाई पटेल स्कूल में रहने का स्थान दिया गया। तब कॉरपोरेशन की धनवंतरी रथ
और डॉक्टर की टीम की ओर से उन लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। उसमें से 50 से भी ज्यादा की जांच की गई। उसमें से कोई भी कोरोना संक्रमित ना हो वैसा कॉर्पोरेशन की ओर से ध्यान रखा गया। अपने जो विश्वामित्री ने अंदर वरसाद पड़वाने कारण पानी नू स्तर वधे छे एना लीधे सुभाषनगर एरिया में आज सयाजीगंज एरिया नी अंदर मंगलभाई स्कूल नी अंदर शिफ्ट करवामां आव्या छे। अने एमनू आज हेल्थ चेकअप अहीं आगे ज्यां रहे छे त्यां आगे फोगिंग अने जे शंकास्पद लागतुं एना माटे कोरोनानुं टेस्टिंग अहीं करवामां आवेल छे। अत्यारे लगभग 50 जणनुं चेकिंग थई गयुं छे अने एमांथी 12 जणनुं टेस्टिंग करवामां आव्युं छे जे शंकास्पद जणાય છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा शहर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिला कलेक्टर कार्यालय में एक इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है। संभवित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ये इमरजेंसी सेंटर लगातार हवामान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बीते कई दिनों से बड़ौदा शहर में लगातार हो रही बारिश अब जिला कलेक्टर प्रशासन की चिंता का कारण बन रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भरता जा रहा है और विश्वामित्री में भी पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिला कलेक्टर प्रशासन अब अलर्ट हो गई है और इसमें कार्यग्रस्त लोग हमेशा चौकन्ने होकर मौसम पर निगरानी बनाए रखे हैं। शहर के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ये टीम बैठकर इस बात का ध्यान रख रही है कि बढ़ती हुई बारिश से लोगों को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। बड़ौदा शहर में लगातार बारिश के मौसम में रास्तों की हालत खस्ता है, तब कांग्रेस पार्टी की ओर से पालिका के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको नाम दिया गया खड्डा सप्ताह, जिसमें रास्तों पर जिस जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं वहां पे एक पौधा लगाया गया है, जिसके जरिए खड्डों का विरोध कांग्रेस की ओर से किया गया। कांग्रेस की ओर से आज ओपी रोड पे खड्डा सप्ताह कार्यक्रम रखा गया और जहां जहां खड्डे पड़े थे वहां वृक्षारोपण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर्स पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रखा गया था। भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्टाचारी लोग अने बधा भेगा मळीने कॉन्ट्रैक्टरનો જે રીતે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે। ગ્રીન વડોદરાની વાત કરી હતી, ગ્રીન નહીં થયું પણ ખડોદરા થઈ ગયું। દિવસે ને દિવસે ટેક્સ વધતો જાય પણ સુવિધાના નામે મીંડું। આ વૃક્ષરોપાથી રોડ પર વૃક્ષરોપાથી એ આંધળા લોકોની આંખો ખુલે અને આ રોડ બરાબર કરે જેથી વડોદરા શહેરના નગરજનો, વૃદ્ધ માતાઓ જે પડી રહ્યા છે, ખાડા પડી રહ્યા છે, કોઈનું મણકો તૂટી રહ્યું છે, આ બધી બાબત દર વર્ષે 200 કરોડના રોડ બને અને એક વરસાદમાં તૂટી જાય, આવો ભ્રષ્ટાચારી તંત્રને જગાડવા માટે, લોકોને જાગૃત કરવા માટે અને એમની પાસે કામ લેવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી જાગી છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કરીને આ તંત્રને જગાડીને એમને કામે લગાડવા માટે આવી છે। बारिश का मौसम चल रहा है और शहर के कुछ इलाकों के रस्तों पे खड्डे और ड्रेनेज की परेशानी नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से लोगों में डर का माहौल है और रस्तों में खड्डे और दूषित पानी उनके परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे उनके खिलाफ कदम उठाया जाए और नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। 3-4 વર્ષોમાં વડોદરા શહેર એ ખડોદરા નગરી તરીકે ઓળખવાની શરૂઆત થઈ જાય છે, એટલે અમે વડોદરા શહેરની જનતાને અપીલ કરીએ છીએ કે રોડના નામે જે ભ્રષ્ટાચારી કરીને જે ખાડાઓ પડ્યા છે
એ ખાડાઓમાં વૃક્ષારોપણ કરો એટલે આ શાસક પર બેઠેલા સત્તાધારીઓ પક્ષને ખબર પડે કે તમારું ભ્રષ્ટાચારનું પાપ કેટલે હદ લગીને પહોંચી ગયું છે આજે. અને વડોદરાની જનતાને પણ અપીલ કરું, સોસાયટી હોય, રોડ હોય, ત્યાં તમામ જગ્યાએ વૃક્ષારોપણ કરીને જાગૃતતા અભિયાન ચલાવીએ. જે રીતે વડોદરા શહેરના જે કોંગ્રેસ પરિવારના સભ્ય જાગૃતતા અભિયાનના માધ્યમથી આ શરૂઆત કરી છે કે આ પરિસ્થિતિ છે તો આજે લોકો જાગૃત થશે તો આ તંત્રનો જે ભ્રષ્ટાચાર ને જે લોકોએ કોન્ટ્રાક્ટના નામે રોડ બનાવ્યા છે એ તમામ કોન્ટ્રાક્ટરોને સજા થવી જોઈએ, એમને બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ. કારણ કે વડોદરા અને ખડોદરા નગરી બનાવવામાં જવાબદાર કોઈ મુખ્ય ભૂમિકા એ લોકોની છે. आने वाले दिनों में JEE और नीट की परीक्षाएं होने वाली है, जिसको लेकर ABVP की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें खास तौर पर मांग की गई कि कोरोना संक्रमण से बचाव के जो दिशा निर्देश है उसका इस परीक्षाओं में सख्ती से पालन किया जाए. वडोदरा शहर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया. आने वाले कुछ दिनों में JEE और नीट की परीक्षाएं होने वाली हैं और कोरोना के इस समय में विद्यार्थी की सुरक्षा को लेकर ये मांग की गई है. इनका कहना है कि महामारी के इस समय में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखा जाए और जिन जगहों पर परीक्षा होने वाले हैं उनको सैनिटाइज किया जाए. उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण और जो दूर जगहों से परीक्षा देने आए हैं उनके रहने का इंतजाम किया जाए, ऐसी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से की गई है. आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वडोदरा द्वारा जिला कलेक्टर कचेरी JEE और नीट की जो भविष्य में योजना परीक्षाओं है तेमा विद्यार्थियों स्वास्थ्य ने लेने अलग अलग सूचनों करने रजूआत करती. अपने जो रहा है कि आज ने जे कोरोना की महामारी चली रही है जेमा लगभग 24-25 लाख जेटला विद्यार्थियों JEE और नीटनी एग्जाम आपवाना है. शिक्षण की साथ साथ स्वास्थ्य पण एटलू ज महत्वनुं छे अने समस्यानी परंतु समाधान एवं विद्यार्थी परिषद माने छे, जेना उपक्रमे काले विद्यार्थी परिषदना प्रदेश अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष अने प्रदेश मंत्री द्वारा शिक्षण मंत्री ने मळीने विद्यार्थीओना हित माटे सूचनो करवामां आव्या हता. अने आजे अलग अलग जिला केन्द्रों पर विद्यार्थी परिषद द्वारा समग्र गुजरातभरमां सरकारना प्रतिनिधि तरीके कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे. आवेदन पत्रनो हवे हेतु ए छे कि विद्यार्थीओ जे एक्जाम आपवाना छे त्यारना सेंटर ने पूरेपूरा सेनेटाइज करवामां आवे, ત્યાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પૂરેપૂરું પાલન થાય, માસ્ક અને સેનેટાઇઝર વિતરણ કરવામાં આવે, આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓના પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે અને તેમનો જે સમય છે તે બચે, અને એ સિવાય જે દૂરથી વિદ્યાર્થીઓ જે આવવાના છે તેઓના રહેવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. આ વિદ્યાર્થી પરિષદના સૂચનોને લઈને અમે વિદ્યાર્થી પરિષદ તરફથી કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા. वडोदरा जिले समेत आसपास के जिलों में लगातार भारी बारिश जारी है. तब आजवा सरोवर समेत विश्वामित्री का जल स्तर बढ़ा है. तब बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से निचले इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी जा रही है. बारिश के इस मौसम में आजवा सरोवर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका पानी छोड़ते ही समा इलाके में स्थित विश्वामित्री का स्तर भी बढ़ जाता है. विश्वामित्री के पास आए कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत खतरा है, जिसके कारण महानगर पालिका ने निचले स्तरों में जाके यहाँ के निवासियों से किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए माइक से सूचना दी. सलामत स्थल पर स्थानांतर करवा विनंती छे. वडोदरा शहर ना निचाणवाड़ा भाग में रहता नागरिकों ने जणावामां आवे छे के विश्वामित्री नदी में पानी नुं लेवल वधी रह्युं छे, जे भयजनक सपाटी सुधी पहोंचवानी शक्यता छे, जेथी निचाणवाड़ा भाग में रहता नागरिकों ने चेतवणी आपवामां आवे छे के. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. बड़ौदा में लगातार बारिश से आजवा समेत विश्वामित्री का जल स्तर बढ़ा. मेयर और शासक पक्ष के नेता ने आजवा सरोवर का मुआयना किया. बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख जुड़े. समाजवादी पार्टी के 20 सदस्यों ने शहर कांग्रेस प्रमुख की उपस्थिति में थामा कांग्रेस का दामन. आज अखिल हिंद स्थानिक स्वराज दिन, पालिका मुख्यालय पे मेयर के हाथों से किया गया ध्वजारोहण.
ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बीआरजी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।